नागपुर में सम बस्तियों के बच्चों को फुटबॉल सिखाने वाले स्पोर्ट्स कोच विजय बरसे की जीवन पर आधारित फिल्म झुंड शुक्रवार को दर्शकों के सामने आई। इस दौरान डीसी न्यूज की टीम से बात करते हुए स्पोर्ट्स कोच विजय बरसे ने बताया कि फिल्म निर्देशक नागराज मंजुले ने मेरी कहानी को सही मायने में न्याय दिया है। अमिताभ बच्चन स्टारर झुंड 4 मार्च यानी शुक्रवार को रिलीज हुई। बताया जा रहा है कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन का काम कमाल तो है ही, लेकिन इस फिल्म के दूसरे कैरेक्टर आपको हैरान करने वाले हैं। नागराज मंजुले द्वारा निर्देशित इस फिल्म की खासियत यह है कि ये रियलिटी के इतनी करीब है कि आपको इसके जरिए समाज की एक सच्चाई भी पता लगेगी। इस फिल्म की तारीफ करते हुए स्पोर्ट्स कोच विजय बरसे ने कहा कि निर्देशक नागराज मंजुले ने मेरी कहानी को सही मायने में न्याय दिया है। वही कहा कि फिल्म का चित्रण बेहद ही अच्छे तरीके से किया गया है। इसके बारे में मेरे से ज्यादा तो आप लोग ही कहेंगे, इसलिए कि जो कुछ भी एक तो मेरे सोचने से बहुत परे है, इसलिए कि इसमें जो नागराज जी ने दिखाया है और अमिताभ जी ने जो भी बताया है, मेरे ख्याल से उनके एक्टिंग से भी ज्यादा उन्होंने जो बिना एक्टिंग किए और बिना मुंह खोले जो मैसेज दिया है, और वो मैसेज सबके लिए और मेरे दृष्टि से वही मैसेज मैं देना चाहता था, और जो अमिताभ जी के कारण से मैसेज अब सभी तक पहुंचा है। तो स्टार्ट जो भी था, जिस प्रकार से भी मैंने इस मिशन को स्टार्ट किया था, झोपड़ी के बीच में मैं पहुँचा था। आप में से कई पत्रकार ऐसे हैं कि जो मेरे उस समय के साथी रहे हैं, उस समय जिन्होंने बिल्कुल करीब से देखा है, मेरे साथ में पार्टिसिपेट किया है। मैं ग्राउंड के अंदर हुआ करता था और पत्रकार बाहर हुआ करते थे, आज भी इस समय भी वो मेरे साथ में यहाँ पर है। सिर्फ कुछ मैं नहीं सोच सकता था कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो इतनी ऊँचाई तक पहुँचेगा, और ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ और देना चाहता था अमिताभ जी के कारण से, ये मेरा मैसेज जो है कि हमने दूसरे के लिए कुछ करना चाहिए। और यकीन मानिए, जो मेरे माता पिता ने मुझे समझाया, जो मेरे परमेश्वर ने मुझे बताया कि दूसरों के साथ में आप प्यार करो, आपका हर पड़ोसी आपके लिए महत्वपूर्ण है, उसके बारे में आप सोचो, एक महत्वपूर्ण मैसेज जिसको मैंने मेरे अंदर में ले लिया है वो मैं पूर्ण करने जा रहा हूँ। ये उनकी कमाल है कि 3 घंटे के भीतर में उन्होंने मेरे संपूर्ण जो जीवन है और जो मेरे काम करने का तरीका है उसको आप लोगों के लिए, आप लोगों के आगे लाया है। ऐसे कोई उम्मीद नहीं दिखती है या है कि जो दीवार सिलेक्शन के बारे में जो बनी है वो टूटना मुश्किल है। इस दौरान बात करते हुए स्लम सॉकर संस्था के देवांग ने कहा कि ये फिल्म बहुत ही अच्छी है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन की एक्टिंग बेहद ही काबिले तारीफ है। वही आशा व्यक्त की कि इस फिल्म को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। पिक्चर देख के जो अभी रिव्यूज आए हैं उसमें तो ऐसा लग रहा है कि ये एक ब्लॉकबस्टर है। इसमें खास बात दो है, एक अमिताभ बच्चन साहब ने हूबहू बारसे साहब की पर्सनालिटी, उनके इमोशंस, उनकी कहानी को चलचित्र के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की बहुत बेहतरीन कोशिश की है। नेशनल अवार्ड मिले इसमें कोई कमी, मेरे को कोई डाउट नहीं लगता। रही नागराज मंजुले जी की, उनकी सारी पिक्चरें बताती अच्छी मानी गई हैं, ये पिक्चर हिंदी फिल्म में तहलका मचा देगी। और बारसे सर का खुद का निजी जीवन, ये पिक्चर के पहले भी वही था और पिक्चर के बाद भी वही रहेगा, ये उनकी खासियत है। जो वो काम करते रहे हैं स्लम के बच्चों के लिए और अंडर प्रिविलेज्ड के लिए, वो और जोरों से करते रहेंगे, और उससे हम लोगों को जो हम उनके साथ जुड़े हुए हैं उनको ज़्यादा हौसला मिलेगा कि हम और बढ़ चढ़ के स्लम सॉकर का, नागपुर का और सोसाइटी में डेवलपमेंट लाने की कोशिश करें। देखिए, इसको कहते हैं आर्टिस्टिक लाइसेंस। अगर स्टोरी हूबहू दिखा दी जाए तो लोगों को कुछ पहलू उसके इंटरेस्टिंग नहीं लगेंगे। तो ये ज़रूरी है जब कोई एक आर्ट
क्रिएट करता है, तो जो आर्ट क्रिएट करने वाला होता है उसका हक बनता है कि वो उसमें बदलाव लाए, जिस तरह से वो अपना प्रोडक्ट पब्लिक को दिखाना चाह रहा है। तो वो आर्टिस्टिक लाइसेंस यूज हुआ है, अच्छा हुआ है, और हमको वो एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है कि जो क्रिएटर हैं, स्टोरी राइटर और डायरेक्टर हैं, उनका आर्टिस्टिक लाइसेंस काबिल-ए-तारीफ है। इस फिल्म का अधिकतम चित्रण नागपुर शहर में हुआ है, जिसको लेकर शहरवासी बड़ी उत्साहित दिख रहे हैं। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ दिशा हटवार, BCN News, नागपुर।